आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे कि लेकिन उससे पहले कि जब आपको पहली बार ये अप्रोच किया गया कि कंगना जी आपको इस तरह की फिल्में करनी है तो क्या टेक था आपका और क्या? तो अलंकिता को मैं काफ़ी दिन से जानती हूँ, इतनी अच्छी तरह से नहीं लेकिन काफ़ी दिन से जानते हैं हम एक दूसरे को। तो उन्होंने जब कहा कि एक स्क्रिप्ट है आप प्लीज़ पढ़िए, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी टू रीड इट। और स्क्रिप्ट पढ़ के ही इनफैक्ट मतलब बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई स्क्रिप्ट, बिकॉज इट वॉज़ रिटन सो वेल, यू नो इट इज़ अ वेरी वेल रिटन वेल फ्लैश्ड आउट स्क्रिप्ट, जहाँ पे ऑल द कैरेक्टर्स आर वेल फ्लैश्ड आउट एंड डिलीनिएटेड वेरी ब्यूटिफुली, वेरी रियलिस्टिकली, वेरी ऑनेस्टली। तो ऐसी स्क्रिप्ट ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है। और मेरे किरदार के नाम है शिरीन असलम, वो तीन बच्चे की माँ है, उनका एक स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड मैरिज है, इट्स नॉट अ वेरी गुड मैरिज, एंड शी कम्स फ्रॉम अ लो मिडिल क्लास सेटअप एंड ऑल्सो वेरी कंजर्वेटिव काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड, वेयर शी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेक्टेड टू वेयर अ बुरखा व्हेन शी स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस। सो ऐसे कहानियाँ हम ज़्यादा फिल्म्स में नहीं देखते हैं, यू नो वी डोंट सी टू मेनी स्टोरीज ऑफ वुमेन हु आर यू नो इन देयर थर्टीज, और वी डोंट सी टू मेनी स्टोरीज ऑफ वुमेन विद चिल्ड्रन, और स्टोरीज अबाउट यू नो ओल्डर वुमेन मे बी इन द लेट 50s एंड देयर सेक्शुअल अवेकनिंग, और इवन इन यंगर वुमेन व्हेन दे टेक देयर लाइव्स और देयर सेक्शुअलिटी इनटू देयर ओन हैंड्स, दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आर वेरी रेयरली सीन, एंड आई फील दीज काइंड ऑफ स्टोरीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो इट वॉज अ रियल प्लेजर टू रिसीव द स्क्रिप्ट, टू गेट टू रीड द स्क्रिप्ट एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म।